दिल सहमदा बंदे हो गए नौ पंताली ओए नी तू सोनी बाली करदा दिल मिलन नु काली आपां तू पाती कुड़िए हाले मेरे नाच यारी ओए नी तू सोनी बाली करदा दिल मिलन नु काली। सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो फिर से लेके आ चुका हूँ आप लोग न्यू कमाल का वीडियो एडिटिंग। तो गाइस अगर आप भी कुछ इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा किस तरह से क्या करना है। और गाइस अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस आज का वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस आपको इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको अलाइट मोशन की जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन जरूर से कर लेना। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने एडिटिंग की तरफ। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आपको प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से नया रीशो 60 वाला रीशो सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। करने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना और आप अपने फोल्डर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जिस भी फोटो से आप एडिटिंग करना चाहते हो सिंपली आप सिलेक्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना होगा, सिंपली आप अपना कोई भी फोटो लेना, थ्री डॉट पर क्लिक करना, फिल कंपोजिशन ये कर देना, ठीक है। अगर आपका फोटो अच्छे से एडजस्ट नहीं है तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके इसको थर्ड ऑप्शन से जूम कर लेना पूरा, और फर्स्ट ऑप्शन से इसको इस तरह से आप मूव कर सकते हो, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन से जूम इन जूम आउट कर सकते हो। इतना करने के बाद आपको शेयर वाला आइकन पर क्लिक करना है, करंट फ्रेम इस पीएनजी पे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। फिर आपको कुछ देर वेट करना है, इमेज को यहाँ पर सेव करना है, ठीक है। फिर बैक आना, इमेज को यहाँ से डिलीट कर देना, प्लस पर क्लिक करना, मीडिया पर जाना, कोई दूसरा इमेज ले लेना, ठीक है। सिंपली उसके बाद आपको फिर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन ये करना है, फिर आपको सिल्वर आइकन पे क्लिक करना है, करंट फ्रेम इस पीएनजी पे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ देर वेट करना, इमेज को यहाँ पर सेव कर लेना, फिर बैक आना, इमेज का से डिलीट कर देना, ठीक है। फिर प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना, फिर आपको कोई दूसरा इमेज ले लेना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन ये कर देना है, सिंपली फिर सिल्वर आइकन पे क्लिक करना है, करंट फ्रेम इस पीएनजी पे एक्सपोर्ट करना, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, इमेज को यहाँ पर सेव कर लेना, फिर बैक आना, इमेज को यहाँ से डिलीट कर देना, प्लस पे क्लिक करना, मीडिया पे जाना और कोई दूसरी इमेज को लेना, फिर थ्री डॉट पे क्लिक करना, फिल कंपोजिशन ये करना, फिर सिल वाले आइकन पे क्लिक करना, करंट फ्रेम इस पीएनजी पे एक्सपोर्ट करना। तो गाइस कुछ इस तरह से आपको अपने इमेज को क्रॉप करना है, ठीक है, इस तरह से क्रॉप करके सेव करना है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको जो है टोटल 6 इमेजेस को क्रॉप कर लेना है, ठीक है। 6 इमेजेस को क्रॉप करने के बाद इस तरह से इमेज को सेव कर लेना। करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आना है और आपको अपने प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे चले जाना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो प्रोजेक्ट का लिंक मिल जाएगा, एक है सेक इफेक्ट और एक है बीट मार प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप इजीली डाउनलोड कर लेना। करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन करना है, ठीक है। और आपको देख सकते कुछ इस तरह से लेयर वगैरह देखने को मिल जाएगा और आगे में कुछ इस तरह से लेयर दिख जाएंगे, ठीक है। तो वैसे आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पे आना, इस पर क्लिक करना, कलर एंड फिल पे क्लिक करना, टेक्स्ट पे क्लिक करना, ठीक है। और ऊपर से क्लिक करके आपको अलाइट मोशन सिलेक्ट कर लेना और आप जो भी इमेज को सिलेक्ट करना चाहते हो सिंपली इस पर क्लिक करना और यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर देना, ठीक है। आपका इमेज यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा जिसके हमें देख पा रहे हो। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर ये इमेज आपको कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको आगे आना है और इस पर क्लिक करना, कलर एंड फिल पे क्लिक करना, यहाँ से क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करना। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको कोई दूसरा इमेज को सिलेक्ट करना, प्लस पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो इमेज आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट लेयर पर आना है, इस पर क्लिक करना, कलर एंड फिल पे जाना और इस पर क्लिक करना। और उसके बाद क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से दूसरा उसी सेम इमेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी फिर आपको आगे आना है, फिर इस पर क्लिक करना और कलर एंड फिल पे जाना, फिर यहाँ पर जो स्टार वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना, फिर यहाँ से सिलेक्ट मीडिया पे क्लिक करना। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर इसी इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर आपका डबल बीट मार्क दिख रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा। तो इससे पहले जितने भी लेयर हम इमेज को ऐड करेंगे सेम इसी वाले इमेज को ऐड कर देंगे, ठीक है, सेम इसी इमेज को यहाँ पर ऐड कर देंगे हर जगह। तो कलर बिल पे जाना, फिर यहाँ स्टार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर सिलेक्ट मीडिया पे क्लिक करना, फिर यहाँ से उस सेम इमेज को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देना। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आपका ये इमेज ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको डबल बिट मार्क दिखेगा, यहाँ आना, इस पर क्लिक करना, कलर बिल पे जाना, इस पर क्लिक करके स्टार वाले सिलेक्ट मीडिया, उसके बाद आपको कोई दूसरे इमेज को सिलेक्ट करना, प्लस पे क्लिक कर देना, ठीक है। आपका इमेज यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ दो लेयर मिलेगा, ठीक है, इस पर क्लिक करना, कलर बिल पे जाना, फिर यहाँ से इस पर क्लिक करके आपको फिर इस पर क्लिक करना है, उसी इमेज को सिलेक्ट करना है, फिर प्लस पर क्लिक कर देना। फिर आपको क्या करना है, नीचे वाले लेयर पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे जाना, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से सिंपली
और उसी सेम इमेज को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देना। तो वैसे वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना ताकि आपको एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। उसके फिर आपको डबल बिट मार्क मिलेगा, यहाँ पर कोई दूसरा इमेज को सिलेक्ट कर लेना, सिंपली स्टार वाले ऑप्शन पर जाना, सिलेक्ट मीडिया, और यहाँ से कोई दूसरा इमेज को हम सिलेक्ट कर देते हैं, फिर प्लस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पर इमेज ऐड हो गया, फिर डबल बिट मार्क आएगा, इमेज को चेंज कर देंगे यहाँ से, इस पर क्लिक करना, कलर फिल पर जाना, सिलेक्ट मीडिया पर जाना और कोई दूसरा इमेज को सिलेक्ट करना, प्लस पे क्लिक कर देना, ठीक है। इमेज ऐड हो जाएगा कुछ इस यहाँ पर, तो फिर इस पर क्लिक करना, कलर फिल पर जाना, फिर यहाँ से सिलेक्ट मीडिया, फिर उसी सेम इमेज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो फिर आपको आगे आना इस तरह से, क्या सब क्या करना है आपको अपने इमेजेस को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो गाइस ये वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना ताकि आपको एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको इजीली समझ में आ जाए किस तरह से क्या करना है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ तक डबल बीट मार्क से पहले जितना भी लेयर मिलेगा आपको इसी तरह से इसी सेम इमेज को ऐड कर देना, जो भी आप इमेज को सिलेक्ट करोगे उसको सब जगह ऐड कर देना है, ठीक है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इस तरह से बिल्कुल सेम करना है, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना ताकि आपको एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर आप स्किप करके देखोगे तो हो सकता है आपको कुछ जो है फोटो को ऐड करने में प्रॉब्लम हो जाए, इसीलिए जो है वीडियो को पूरा एंड तक देखो ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल सके, ठीक है। सो फाइनली देख सकते हो यहाँ तक हमारा डबल बीट मार्क आ गया है, फिर हम इस इमेज को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देंगे और फिर डबल बीट मार्क आएगा, इमेज को चेंज कर देंगे और यहाँ एंड तक उसी इमेज को ऐड करेंगे, ठीक है। कलर एंड फिल पे जाएंगे, स्टार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, सिलेक्ट मीडिया पे क्लिक करना और आपको कोई दूसरे इमेज को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर प्लस पे क्लिक कर देना, तो देख सकते इमेज आपको कुछ यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसके फिर पूरा एंड तक इसी इमेज को ऐड कर देंगे, ठीक है सिंपली। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से क्या करना है। तो इस तरह सब जो अपने सारे इमेजेस को पूरा एंड तक ऐड कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट मीडिया पे जाएंगे, उसके बाद उसी सेम इमेज को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देंगे, फिर आगे आना है लेयर पे क्लिक करना, कलर एंड फिल पे जाना, फिर यहाँ से जो है सिलेक्ट मीडिया, उसके बाद उसी सेम इमेज को सिलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमारा लास्ट इमेज बच जाता है। तो यहाँ पर भी इस तरह से यहाँ पर इस इमेज को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सब इमेज ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, सिंपली बैक आना है, ठीक है, और आपको चले जाना है अपने सेके फाइल वाले प्रोजेक्ट पे और यहाँ पर क्या करना होगा, प्लस पे क्लिक करना, सिलेक्ट ऑल लेयर करना, ठीक है। लास्ट लेयर को अनटिक करना, प्लस पे क्लिक करके कॉपी 6 क्लियर कर देना, ठीक है। फिर बैक आना, बीच वाले प्रोजेक्ट पे जाना और यहाँ से क्या करना, प्लस पे क्लिक करके पेस्ट 6 क्लियर कर देना। उसके बाद फोटो में काफ़ी अच्छा कलर ग्रेडिंग आपको देखने को मिल जाएगा। उसका देख सकते हो पूरा एंड तक ये सेट हो जाएगा, ठीक है इतना। उसके देख सकते हो गाइस आपके फोटो में काफ़ी अच्छा कलर ग्रेडिंग आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद वो क्या करना होगा, सिर वाला आइकन पे क्लिक करना है, वीडियो क्वालिटी को सिलेक्ट करना, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना, आपका वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था, अब मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो एडिटिंग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।